आदित्य चोपड़ा अपनी पत्नी रानी मुखर्जी के लिए अपने पिता यशराज के यशराज चोपड़ा के 88th बर्थडे पर बर्थडे एनिवर्सरी पर बड़ा एक तोहफा लेकर आए हैं। वो तोहफा क्या है आपको बता दें। दरअसल वो तोहफा कुछ और नहीं, रानी मुखर्जी के लिए वो 3 फिल्में हैं जिसके लिए बेसब्री से हर कोई इंतज़ार कर रहा है। ये तो रानी मुखर्जी खुद YRA फिल्म के ऑनर आदित्य चोपड़ा की पत्नी है, लेकिन इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर आदित्य चोपड़ा ने फिल्म का ऐलान किया है तो उनकी डायरेक्शन पर बनने वाली फिल्म और ज़बरदस्त होगी, इसका पूरा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। 27 सितंबर की तारीख उस पर से पर्दा उठेगा जब यशराज फिल्म्स की 50वीं एनिवर्सरी मनाया जाएगा। बताना चाहेंगे हम आपको, इसके अलावा कहा जा रहा है कि 4 के अलावा 5 फिल्में ऐसी होगी जिसमें से 3 फिल्मों में रणवीर सिंह, रानी मुखर्जी, आयुष्मान खुराना बतौर लीड कलाकार नजर आएंगे। वहीं 2 और फिल्मों की डिटेल्स अभी आनी बाकी है। 27 सितंबर की तारीख को ऐसा जश्न का समारोह रखा जाएगा। 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 7 से लगभग 9 फिल्मों का ऐलान होने वाला है। हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, इसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर भी ऐलान हुआ है जो कि यशराज के बैनर तले बनने वाली फिल्मों में से एक होगी। तो वहीं विकी कौशल की फिल्म जिसे डायरेक्ट विजय कृष्ण का डायरेक्ट करेंगे, उस फिल्म को कॉमेडी फिल्म बताई जा रही है जो कि YRF के अंदर ही बनेगी। तो वहीं यशराज की फिल्म पहली बार करने जा रहे हैं अजय देवगन भी, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ सलमान खान से लेकर शाहरुख, अजय देवगन के साथ काम करने वाले हैं रानी मुखर्जी के हस्बैंड आदित्य चोपड़ा एक बार फिर। ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसका सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि रानी मुखर्जी फिल्म हिचकी के बाद मर्दानी 2 में नजर आई और मर्दानी 2 भी बीते साल की जबरदस्त हिट फिल्मों में से एक थी, लेकिन ये साल रानी की एक भी फिल्म को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में एक साथ 3 से 5 प्रोजेक्ट का ऐलान कहीं ना कहीं उनके फैंस के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज से कम नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।